नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। डूंगरपुर और आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे एकता समाचार। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नगर पालिका के चेयरमैन नवनिर्वाचित चेयरमैन हमारे दिलीप भाई और सभी पार्षदगण आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। दिलीप भाई बताइए, आज का क्या क्या प्रोग्राम? आज हमारे कार्यकर्ता है, अरे बंदे आपका लॉस स्पीकर जा रहे हैं और बड़ी खुशी है और खुशी के साथ यहाँ से हम रवाना होंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे दशस्थ भाई जो भारी मतों से जीते, ललित जी बताइए। आज हमारा शिमला माता चौक घड़ी से रैली के रूप में पालिका घड़ी छोटे कार्यकर्ता एमएलए साहब और हमारे प्रधान साथ रहेंगे। रैली के रूप में यहाँ से हम हमारे पार्टी के बैनर के नीचे सभी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। उस कार्यक्रम में विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक 2400 घंटा इस क्षेत्र की चिंता करने वाले और मैं सोचता हूँ कि मेरे को कई बार फोन से भी भाई साहब हमारा ध्यान रखना, हमारा यही ये काम है और हूबहू शायद विधानसभा में पहली बार हमारे इसी क्षेत्र के दो विधायक भाई हरेंद्र जी और केला जी तो विधानसभा में अपनी बात को रखी है और माइक पे बोल करके बताया है विधानसभा में। ऐसा शायद आज दिन तक जो विधायक कांग्रेस के लिए कभी किसी ने नहीं मांगा। केला जी चेयरमैन, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई दिलीप जी परमार, उनके वार्ड में भी मैं गया था, कई वार्डों में मैं यहाँ जाकर के सीधा बासड़ा के वार्ड में जाता था, फिर वापस आपके बीच में आता था। किसी को पता ही नहीं है कि रात को कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रचार हो रहा था। मैं तो उधर आवासन मंडल के चारों तरफ कहाँ से कहाँ दौड़ भाग में पूरी चिंता करके, लास्ट में जी भी बहुत दौड़ भाग कर रहे थे। भाई भूपेंद्र जी ये भी बहुत ही चिंता करके पूरा, शायद इनका एक्सीडेंट भी हो गया। मैंने कहा था रात को मत जाओ और उस दिन मैं कहा था सही कि आप कोई इतना लेट हो के मत जाओ, तो खुदा ने खास्ता उनका उसी दिन कोई एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ, फिर भी परवाह नहीं की और अपने बीच में यहाँ पर है। भाई धर्मेंद्र जी राठौर हमारे बीच में है, हमारे नगर के अध्यक्ष सुनील जी आचार्य अपने बीच में है, भाई सरदार जी हमारे बीच में है, लंबे समय से जिस तरह से है तो अपने जब भी कोई काम हो तो अपने हाथ में ले लेते हैं कि बिना कहे। शब्बीर भाई और जिनके बड़ा समाज के हमारे बैठे हुए हैं, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहन लक्ष्मी जी जिला प्रमुख रही है, वो अपने मेहनत पे रहे, हमारे भाई साहब मैं दिनेश जी मेहता साहब हमारे पास बीच में बैठे हैं, मैं जब भी कार्यालय में आता थी पहले हाजिर ही होते थे। और एक हमारे किरण भाई जी बीच में, किरण भाई भी लगातार अपने इस कार्यक्रम में साथ दिया है। भाई हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष जी बिलोदा केदार जी हमारे बीच में, इस अवस्था में भी वो अपनी जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष की लेकर के यहाँ पर हमारे बीच में है। कुछ नाम मेरे ध्यान में आए, मैंने मीटिंग भी ले लेकिन अब मेरे अच्छे साथी बन गए हैं, तो अभी कि मैं बस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ, कहाँ गए बोरा समय ये बैठे हमारे, और हमारे साथ सबीर भाई हमारे बैठे बीच में, पग्र भाई अब्बास भाई मुल्ला सबीर भाई आजमदा वाला मुल्ला मोहम्मद भाई वाला जौहर भाई पठान कुतुबुद्दीन इलियन भाई औजर भाई भाई कुतुब भाई और लाहिर भाई और उपस्थित मैं भाई हमारा कमलेश भाई भाई हितेश जी और मैं जिन जिन का नाम लूँ बहुत संख्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप सभी ने जिस तरह का मन बना करके पट्टापुर में लगे, भाई रमेश जी हमारे बीच में इनका भी नाम एनापुर का पूर्व सरपंच साहब हमारे बीच में, ये सभी आप जिस तरह से लग रहे थे मुझे लगता था कि वास्तव में पट्टापुर तो
हमारा नगर पालिका का बोर्ड बनेगा ही बनेगा, ये शुरुआत बोरा समाज की हमारे जो मुझे भी आपने जिता करके वहाँ सांसद बनाया है, और सांसद बनने के बाद में आपकी हूबहू जितनी भी समस्या थी इनके बारे में मैंने उठा दिया, वर्णन करने से नहीं, चाहे वो चीट फंड का मामला हो चाहे मानगढ़ धाम का हो। नेता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी तरह हमारे अपने परिवार से आपने नाता जोड़ा, और यह गौरवमय पल हम सबके बीच में आज साक्षी हुआ है। जोरदार तालियों से इन दोनों का स्वागत। शब्बीर भाई आमदा वाले, ज्योति भाई साहब, चारों बहने हमारे बेटे पार्षद विमला मैडम, पूर्व जिला प्रमुख लक्ष्मी बहन, केदारेश्वर जी, विनय जी मेहता, मानसिंह जी राठौर, प्रफुल जी, जिला अध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र जी राठौर साहब, नीले जी, कमलेश जी, विनय जी वडेरा साहब, सागरिया सरपंच साहब, हमारे वाइस चेयरमैन हिमांशु जी, कांतिलाल जी शर्मा, शांतिलाल जी, लबना जी, बेनजी भाई बागीदार, और कमाल साहब, रमेश जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सुनील जी आचार्य, और इस मंच के आधार है सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोरा समाज का अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो मेरे को दायित्व मिला है उस दायित्व, इस पंडाल में बैठे सभी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरे को जो जिम्मेदारी दी है मैं उससे खरा उतरूंगा, और 24 से 25 तो नहीं लेकिन 24 सीटें दूंगा मैं आपको। आने वाले चुनाव में बीजेपी का बोर्ड फाइनल बनाऊंगा, और ये एमएलए साहब और एमपी साहब से मैं पैसा लाऊंगा, आप मेरे साथ रहना, कोई कसर बाकी नहीं रहूंगा। हमारे नगर पालिका परिवार आपके साथ रहेगा, आप पार्षदों को सूचित करो, अगर पार्षद नहीं करते मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे बिजली पानी कोई भी समस्या हो उसको दूर करने में खड़ा उतरूंगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का मन भेद नहीं रखे, क्योंकि नगर पालिका के नव निर्वाचित अध्यक्ष सम्मानित दिलीप जी परमार साहब, हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सम्मानित हिमांशु जी मेहता, सम्मानित मंच और प्रतापपुर नगर के सम्रांत नागरिकों, माताओं बहनों, और इस नगर पालिका के नव निर्वाचित पार्षद और सभी योगदान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, आपकी ताकत से, आपकी मेहनत से इस चुनाव को जीता गया, और इस चुनाव की किंग मेकर के रूप में हमारे लालचंद जी और भाई सरदार जी, जिसको आप हमेशा देखते हैं कि जहाँ की जो आवश्यकता होती है तो जहाँ कहीं भी उनको देखते हैं तो वो पत्थर की तरह जाकर के पढ़ते और अपना काम पूरा करके आते हैं। आज के इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले अर्जुना के महामंत्री भाई उपाध्याय जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिला पार्षद आगे नाम सबका, और सभी कार्यक्रम में उपस्थित सभी माता बहने, इस नगर पालिका के कार्मिक बंधु हितेश जी बोडिया साहब, महमूद खान जी, आप सबका सहयोग रहा के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने अभी का त्योहार था तो मैंने कहा था कि आज महा दीपावली है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आज दिवाली भी है और ईद भी है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें इसका इंतजार था। इसमें मैंने या हमारे कोई साथियों ने प्रयास नहीं किया, मैं तो कहता हूँ प्रतापपुर का एक बच्चा से बच्चा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, उनकी एक ही आशा थी कि प्रतापपुर कब नगर पालिका बनेगी, और उसका प्रयास इस तरह से किया कि मदरसा के या स्कूल के बच्चों ने भी पोस्ट कार्ड